हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन में। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैच के बारे में गाइस, जिसमें हम एडिट हैच एडिट कैसे हैच अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में, ग्रेडियंट और पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में गाइस। तो ये आपका ऑटोकैड का ट्यूटोरियल नंबर 9 है। तो इससे पहले कि आपने 1 से 7-8 तक ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे, और आई बटन में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों का यूज किया किस चीज़ में जाता है। अब जैसे हमें 2D में कोई वॉल दिखानी है तो हम इस हैच का यूज करके वो को उसको क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी पैटर्न डिजाइन को कर सकते हैं, शो कर सकते हैं उसमें, किसी भी हम ग्रेडियंट को शो कर सकते हैं किसी वॉल में, 2D में, 3D में। तो ये हैचिंग का यूज होता ही है, किसी एक सेपरेट पार्ट को शो करने के लिए हमें हैच का यूज करना पड़ता है, हैच के ही अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। तो इसमें काफी डिफरेंट तरीके हैं, उस आपके पास डिजाइन बने हुए हैं जो आपके सामने हैं तो आप देख सकते हैं इसमें ये अलग हैच है, इसमें अलग है, इसमें बिल्कुल अलग है, इसमें बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले आप समझिए इसका जो शॉर्टकट की होता है गाइस वो एच होता है। हम एच एंटर करेंगे तो किसी भी, अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसमें हैच करना है तो हमारा ये आपका अपने आप जो पहले से हैच सिलेक्ट किया हुआ था वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमें ये आप देख सकते हैं ये वाला हैच पहले से सिलेक्ट था, ये इस तरह से शो करेगा, ये पहले से शो कर रहा है क्योंकि इसमें हमने जो पिक पॉइंट ले रखी है तो ये पिक पॉइंट अपने आप सिलेक्ट करता है। इसके अदरवाइज अगर हम इसका चेंज करना चाहें तो यहाँ से कोई भी पैटर्न चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये पैटर्न ले लिया, अब यहाँ से आप देखेंगे तो यही पैटर्न बार बार आएगा। अब इस पैटर्न को क्लिक करने के लिए हमें सबसे पहले इसका कलर चेंज कर रहे हैं तो गाइस कलर इसका बैकग्राउंड कलर ये है, नोन कर देंगे। इसका ये वाला जो है ये जो भी आपकी इसमें पैटर्न रहेगा लाइन वगैरह जो भी शो कर रहा है उस हैच का कलर रहेगा तो हम इसका वाइट लेयर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा देख सकते हैं काफी ज्यादा जूम आउट है तो इसको जूम इन करने के लिए देख सकते हैं इस तरह से जूम इन कर सकते हैं, यहाँ से देखो कितना जूम इन कर दिया। तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस इसके अलावा हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में हम आपको बना के दिखाएं, जैसे से इंटर करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसके अलावा यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं। अभी आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसमें हमें एक हैच लाइन एक हैच ड्रॉ करना है, हैचिंग बनानी है। तो सिंपली आप यहाँ से ये ड्रॉ मेनू आर है, यहाँ से आप हैच कमांड मिल जाएगी, यहाँ सिंपली हैच ओपन कर सकते हैं गाइस। ये होता है पिक पॉइंट, पिक पॉइंट जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट में शो करना है तो यहाँ से पिक पॉइंट सिलेक्ट किया, इस तरह से वो बन के आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। अभी हमने जो भी लास्ट में जो भी आप हैच यूज करेंगे, जो भी कमांड जैसा भी यूज करेंगे वही आपकी आगे तक यूज में आएगी, तो अब जब तक हम यहाँ इसको चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है गाइस सिलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट। अगर हम ए हैच ये जो पिक पॉइंट सिलेक्ट ना करके ये पिक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आएगा। इसके अलावा अगर हम बाउंड्री ऑब्जेक्ट सिलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट वाला क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से इस पे लाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि
अब हमें इसकी बाउंड्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे बाउंड्री सिलेक्ट करते हैं तो जितना भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतने पूरे में हो जाएगा। इससे पहले क्या था गाइस, इससे पहले ये होता है अगर पिक पॉइंट से करेंगे तो पिक पॉइंट से जितना आपका शो हो रहा है, जितना भी यहाँ से कोई भी लाइन अगर आ रही है इतना है तो इतने में ही आएगा, देख सकते हैं आप। तो पिक पॉइंट और बाउंड्री सिलेक्ट बाउंड्री पॉइंट में इतना ही डिफरेंस होता है गाइस। अगर इस सब पूरे पॉइंट को अगर इसमें कर रहे हैं तो गाइस इतना ही होगा, इसमें कर रहे हैं इतना पिक पॉइंट से उतना ही होता है। इसके अलावा अगर आपको दिखा दें, इसको बैक करके इसको डिलीट मार दो, डिलीट हो गया। यहाँ से गाइस रिमूव का भी ऑप्शन होता है, रिमूव का भी बता रहे हैं। तो अगर हमने जैसे यहाँ से बाउंड्री वाला ले लिया, बाउंड्री इस पे कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं हैच लाइन हैच पूरे पे हैचिंग हो जाती है। अब क्या है कि अगर यहां से हम हैचिंग चेंज कर दे रहे हैं, कोई भी हैच अभी हैच ले ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जब तक हम इसको बाउंड्री हैच चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब तक हम ये बाउंड्री या पिक पॉइंट वाला ऑप्शन नहीं चूज करेंगे तब तक ये चेंज नहीं होने वाला। तो हमने यहां से ये पिक पॉइंट वाला ले लिया, ये ज्यादा इजी रहता है क्योंकि ये प्रीव्यू करके दिखाता है। तो इस तरह से जहां पे भी हमें पैटर्न दिखाना होगा कर सकते हैं, यहां से गाइस सिंपली इस तरह से कर सकते हैं। ये आपका रिमूव वाला ऑप्शन है, बाउंड्री रिमूव ऑब्जेक्ट। तो इसको क्लिक करके यहां से सिंपली कोई भी पैटर्न कोई भी डिजाइन रिमूव कर सकते हैं। अब ये लाइन है, पॉली लाइन है तो लाइन ले लिया, या पॉली लाइन है तो पॉली लाइन ले लिया और देन एंटर करेंगे यहां से क्लिक ऑन डिस्प्ले। ये गाइस सिंगल है फिर भी रिमूव कर सकते हैं यहां से क्लिक ऑन डिस्प्ले। यहां से डिलीट कर सकते हैं अपना, हो गया। नेक्स्ट गाइस इसमें कमांड है, हैच में जाएंगे। अब नेक्स्ट कमांड यहां से मिल रही होगी गाइस पैटर्न की। यहां से कोई भी पैटर्न आप चूज कर सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं, ग्रेडियंट कर सकते हैं पैटर्न। अभी हमारा जो है पैटर्न चल रहा है तो ग्रेडियंट किस तरह से शो करेगा, ग्रेडियंट में आ गए। तो यहां से ग्रेडियंट कोई भी सिलेक्ट करेंगे, यहां से इस तरह से ये ग्रेडियंट आ जाएगा इसका। गाइस हम ग्रेडियंट हो या पैटर्न हो या कुछ भी हो उसका सिंपली यहां से हम कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर। और यहां से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम इस सबको पैटर्न में ही करके शो दिखा रहे हैं आपको। तो जैसे आपका ये पैटर्न है तो इसमें हम यहां से बाय लेयर पे जाके यहां से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं इसका। यहां से अगर बैकग्राउंड इसका कलर चेंज करना हो तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से बैकग्राउंड कोई भी कलर लगा सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहां से जो भी सेटिंग्स हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है हमें, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से 90 तक, मैक्सिमम 90 तक कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट है गाइस इसका एंगल, एंगल कितना रखना है। तो इसका एंगल हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, यहां से 0 भी रख सकते हैं और यहां से 259 तक कर सकते हैं, वो सॉरी 359 तक कर सकते हैं, यानी 360 का पूरा होता है। तो 359 डिग्री तक कर सकते हैं या अन्यथा 0 तक रख सकते हैं गाइस। बाकी इसका जो भी देख सकते हैं ये हैच होगा, हैच को कैसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है उस तरह से इसका जो स्केल है, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। इस तरह से ज्यादा हो रहा है तो स्केल डाउन कर दिया। नेक्स्ट गाइस ओरिजिन होता है। अब जैसे हमें फॉर एग्जांपल यहां से देख रहे होंगे
ये वाला पूरा यहाँ से कटा हुआ आ रहा है। अगर हमें ये कटा हुआ ना चाहिए, इसका ओरिजिनल ओरिजिन मान लो कि इस ये वाली इस लाइन से स्टार्ट हो, तो इधर भी ये कटा हुआ आ रहा है, तो इधर भी कटा हुआ नहीं आना चाहिए। तो हमें इसका ओरिजिन सिलेक्ट करेंगे, ये किससे, लाइन से, पॉली लाइन से, पॉली लाइन से कर दिया। देन आप देख सकते हैं आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ से जो कटा हुआ भाग था वो इस साइड भाग जाएगा पूरा। अब यहाँ पे पूरा सेपरेट पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन या पॉली लाइन से इसका ओरिजिन सेट कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, नंबर एक एक सर्कल है, नंबर दो ये भी सर्कल है मान लो, इसमें हमने पहले हैच कर दिया, ये हैच ले ले रहे, ये हो गया, देन इसमें भी हैच कर दिया, सॉरी इसमें एक में नहीं करते हैं अभी, इसको डिलीट करो, सी इंटर। अब जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ऑब्जेक्ट में यहां से हम हैच ले रहे हैं, ये एसोसिएटिव है इसको ऑफ करके, यानी अभी ये ऑफ है, जब ये ऑन होगा तो गाइस हाईलाइट हो जाएगा। तो इसको ऑफ करके हम यहां से कोई भी एक हैच सेलेक्ट कर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यही कर लिया, देन एंटर, ये हो गया गाइस। इसके अलावा अगर हमें दूसरा हैच लेना है, अब हैच कोई भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब एसोसिएटिव को ऑन कर ले रहे हैं। अब ऑन करके अगर हमने यहां से हैच लिया, देन क्लिक हियर, अब इसमें गाइस डिफरेंस समझना, एंटर। अब अगर इस पे क्लिक करके हम इसको मूव कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं, इसका साइज बढ़ा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसका हैच का भी साइज सेम टाइम बढ़ रहा है। बट अब इसका जो है साइज बढ़ाएंगे सर्कल का, तो आप देख सकते हैं इसका साइज बढ़ गया है, बट ये बीच में कट जाता है, ये डिफरेंस है गाइस। इसके अलावा एक और डिफरेंस हम आपको बताएंगे, फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने दो सर्कल ले लिए, सी इंटर, दो सर्कल हैं आपके पास, हैच कमांड। अब एसोसिएटिव को पहले ऑफ कर देते हैं, कोई एक कमांड ले लिया, क्लिक हियर, देन एंटर, फिर से ले लिया, अब एसोसिएटिव को ऑन कर दे रहे हैं, नेक्स्ट कमांड ले लिया हमने, ये एंटर। अब अगर हम इनमें से इसको जिसमें हैच है सर्कल है, इसको अगर स्केल अप करेंगे, तो ये देखिए आप नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसने पहले एसोसिएटिव को ऑन नहीं किया था। देन नेक्स्ट है इसका, अगर हम स्केल अप करेंगे इस तरह से, कट तो जाएगा जाएगा, लेकिन इसमें ये पूरा स्केल अप हो जाएगा गाइस। इसमें ये दो मेन रीजन है, मेन डिफरेंट है। तो अगर आप कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को एसोसिएटिव मोड पे करेंगे, तो उसका जो स्केल अप अगर करेंगे बाद में, तो उसके साथ में जो उसका हैच होगा उसका भी स्केल अप हो जाएगा। सो आई थिंक सो दोस्तों आपको इससे जानकारी मिली होगी।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें, जिस पे आपको वीडियो चाहिए हो वो लिख के सेंड करें, और बाकी हमारे सारे वीडियोज देखते रहें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।